निशा, मुराद, शुक्र है खुदा का कि तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हें पहचानना कौन सा मुश्किल है? क्या हाल है तुम्हारा, कैसी गुजर रही है? इतने सारे सवाल एकदम पूछोगी तो जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। अच्छा तुम, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कोई जॉब कर रहे हो या ऐसे में इतना फारिग बैठे हुए हो? काम तो कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं उसे लोग जिसे दर्जियों वाला काम कहते हैं, वो कर रहा हूँ। क्या कोई जॉब शुरू की हुई है? नहीं नहीं, कपड़े डिजाइन कर रहा हूँ, अपनी फैक्ट्री है, वहाँ का मालिक हूँ। वाओ, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। कॉलेज में लगता नहीं था कुछ काम कर पाओगे कि नहीं। तुम्हारे को बिजनेस कार्ड वगैरह है? नहीं, जॉगिंग के कपड़ों में कार्ड कहाँ से, वैसे गाड़ी में पड़ा रहेगा, कहो तो ला देता हूँ मैं। नहीं इट्स ओके, तुम्हें ढूंढना कोई मुश्किल काम तो, मुझे बहुत देर हो रही है, आई एम सॉरी दादाजान, मेरा वेट कर रहे होंगे, आई विल सी यू सून, लेट्स कीप इन टच। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। देखना बेटा आज फिर देर कर दी ना, दादा जान नाश्ते की टेबल पर पहुंच चुके हैं अब और आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह नो, ओह यस, हाथ हो गई है भाई कल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तुम फिर 4 मिनट लेट हो। 4 मिनट तो 2 सेकंड में गुजर जाते हैं दादा जान। बात 4 मिनट की नहीं बेटा, तुम लेट होती हो, रैश ड्राइविंग करती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इस रैश ड्राइविंग, इसी वजह से तुम्हारी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था रैश ड्राइविंग से। I'm sorry, please मुझे माफ कर दें, please, I promise, आइंदा मैं कभी रैश ड्राइविंग नहीं करूं, okay? Promise. Cross my heart. Hi princess. वाह, क्या बात है हमारे फैशन न्यूज की। हेलो, हाशिम बोल रहा हूँ। जी सेठ हाशिम साहब, तुमने मुराद का वेंटिल कलेक्शन देखा क्या? दरअसल मैं बहुत मसरूफ था, लेकिन सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि बहुत कामयाब गया। तुम्हें खुद वहाँ जाना चाहिए था जाफर। अरे आप तो जद्दी पुश्ती सेठ हैं, आपका शाह मुराद से क्या मुकाबला। अपने फैशन न्यूज के मुकाबले में मुराद का ग्लैमर वर्ल्ड देखा तुमने? क्या क्लास है उसकी। तो फिर ग्लैमर वर्ल्ड के साथ मिल जाओ, मेरे फैशन न्यूज को तो बुरा ना कहो। मुझसे स्पॉन्सरशिप चाहते हो तो फिर तुम्हें तनकीद भी बर्दाश्त करना होगी। अगले हफ्ते तुम्हारी ड्रेस एग्जीबिशन हो रही है ना? हाँ हो रही है, लेकिन जाफर मेरी एग्जीबिशन की भरपूर कवरेज करना होगी, तुम्हें खुद आना पड़ेगा वहां पे, वरना। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हैं? बस सुमन, मुराद के एग्जीबिशन ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया, मुसीबत खड़ी कर दी उस लड़के ने। इस बार भी लाखों करोड़ों के ऑर्डर्स लेके आए वो, लेकिन खैर देख लो उसे भी। पहले इधर तो देखिए मुराद, आई एम रियली वरिड, ये जो इतना बड़ा ऑर्डर आ गया इसके लिए हमें कोई नया डिजाइनर चाहिए होगा, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आई नो दैट, लेकिन इसीलिए तो मैंने ये सारे इंटरव्यूज कॉल किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक फुल टाइम डिजाइनर की जरूरत है। क्या मजाक है सर, बाहर 2 घंटे से बैठे बैठे मेरी टांगे अकड़ गई है, आपको इतना भी एहसास नहीं है ना जाने कौन कितनी दूर से आया है, जल्दी में उसने नाश्ता भी किया है कि नहीं, और आप यहाँ पे आराम से बैठे। देखो मिस्टर, बाहर जाके बड़े आराम से बैठ जाओ, एंड दिस इज नॉट द वे, या कोई तरीका नहीं है। क्लर्कों के इंटरव्यूज में और हम जैसे लोगों के इंटरव्यूज में कुछ तो फर्क होता है ना। मुराद मैं चलती हूँ। अच्छा बैठो। थैंक यू सर।
खासे आउटस्पोकन हो तुम। सर आप मुंह फट भी कह लें। एम्बिशियस भी हो? सर वो तो हूँ, लेकिन सिर्फ एम्बिशियस होना काफी नहीं होता। तरक्की के लिए इंसान के पास टैलेंट का होना भी बहुत जरूरी है। सर टैलेंट भी है, इसका सबूत मेरा काम है। तुम्हारी अप्रोच तो अच्छी लगी है मुझे, आई लाइक डेट। थैंक यू सर। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे मिलजुल कर काम करते हैं, एंड आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म पर्सनल रिलेशनशिप। जी सर। ये खातून जो भी यहाँ पे बैठी हुई थी, इस सारे सेटअप में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हम इनकी सजेशन के बगैर कोई काम नहीं करते। जी सर। ठीक है, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया, लेकिन मुझे पहले बाकी के लोगों से बात कर लेना दो। थैंक यू सर। मुराद के बिजनेस का मुकद्दर डूबना है, और वो डूबेगा। अगर अपनी मौत नहीं मरेगा तो हम किस लिए बैठे? हम डुबो देंगे। कब डूबेगा एडिटर? अभी तक तो ठीक ठाक तैर रहा है, तुम भी बस खाली बातें ही बनाते हो। अरे कुछ करके दिखाओ। अब ऐसा तो ना कहो हाशिम, अपने मैगजीन को ही देखो, कहां से कहां पहुंच गया। इसकी वजह से तुम्हारे बिजनेस को कितना फायदा पहुंचा है, तुम्हारी सेल का ग्राफ ऊपर ही ऊपर गया है। वो नया डिजाइनर जो मुराद ने रखा है, देखा तुमने? सब खबर है। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? ठीक है, लड़का टैलेंटेड है, सीख रहा है, सीखने दो। ये जो आर्टिस्ट होता है ना, ये आम की तरह होता है, कच्चा हो तो खट्टा, धूप लगेगी धीरे धीरे पकेगा, रस मीठा हो और फिर टपकेगा। भला कहां? कहां? हमारी झोली में। हाशिम, मेरा ख्याल है कि अब रात काफी हो चुकी है। थैंक यू। यू वेलकम। आई एम सो लकी दादा जान, रोज सुबह आपके रखे हुए फूलों की खुशबू मुझे जगाती है। आई फील लाइक अ प्रिंसेस। यू आर अ प्रिंसेस। दादा जान, मुझे लगता है मामी पापा अगर जिंदा भी होते ना तो मुझे इतना प्यार ना करते। अच्छा तुम उठो, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। मैं आती हूँ अभी। रुक जाओ जाने मन, टेलीफोन नंबर तो दे दे जो। रोज रोज यूँ गलियों में रोक के मिलना अच्छा नहीं लगता। देखो मुझे परेशान मत करो, कोई मिले मेरे घर पर। मैं आपको मोबाइल ले देता हूँ, आप सुकम तो करे। हटो सामने से। आए, जाल भाई, तुम दोनों में से एक भी नजर आया ना यहाँ पे आईना, तो जान ले लूंगा तुम लोगों की। ओके ओके ओके, भागो यहाँ से। ओके ओके ओके, चलो। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मेहरू मेहरू क्या बात है बेटा, इतनी घबराए हुए क्यों? मत पूछो। हाय हाय क्यों मत पूछो, देखो तो सही चेहरे पे कैसे हवाइयां उड़ रही हैं। माँ वो गुंडा था मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे लग गया। हाय फिर? फिर क्या माँ, सजावल है ना। सजावल? अच्छा वो गुंडा बदमाश? हाँ माँ, उसने ऐसा मारा उन कमीनों को कि तबीयत हरी कर दी। अल्लाह गारत करे इन गुंडों को। अम्मा लोग तो ऐसे ही सजावल को बुरा भला कहते रहते हैं। लोगों का क्या है, वो तो फरिश्तों को भी नहीं बख्शते। अच्छा तू जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए रोटी डाल देती हूँ। मुराद साहब मैं अपने नए डिजाइन को नए तरीके से प्रमोट करना चाहता हूँ, उसके लिए मॉडल भी स्पेशल होनी चाहिए। तो जिस मॉडल को कहोगे बुला लेंगे, ऐसी कौन सी बात है? नहीं मुराद साहब, मेरे नए डिजाइन के लिए मॉडल भी नई होनी चाहिए। लेकिन ये नई मॉडल आएगी कहाँ से? मैं ढूंढूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं कि मॉडल कैसी होनी चाहिए, और जैसी मॉडल मैं चाहता हूं अगर वो मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। हाय मुराद। हाय निशा। हाय, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हारी कंपनी का बोर्ड देखा, तो आई थॉट आई ड्रॉप इन। प्लीज प्लीज बैठो। ओके निशा, ये शेजाद है, हमारे डिजाइनर। आप यहीं बैठिएगा, बस मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। मुराद साहब यहीं, आप यहीं बैठिएगा, मैं आ रहा हूँ। इन्हें क्या हुआ? मालूम नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था ये। So, it's a great setup. कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। अच्छा पहले ये बताइए कि आपके वो दादा जान कैसे हैं, अभी भी उनका जाहो जलाल वही है या कोई चेंज आई उनमें? पता नहीं, लोगों से ही सुने, मैंने तो कभी उनका गुस्सा नहीं देखा। आई एम हिज स्पॉइल्ड ब्रैट। तो तुम आओ ना कभी फिर घर पे। आई विल, आई विल। यार वो मस्टर्ड शर्ट किधर है जिसके फ्रंट पे कढ़ाई हुई हुई है? यार देख यार कहाँ चली गई वो, ये तो नहीं है यार। दिखा। अरे हाँ यही है, तो यही ढेर मैं भी आता हूं। ये देखे कहां गई वो? कौन? वो जो यहां आई थी। वो तो चली गई। वो क्यों चली गई, कैसे चली गई, कहां चली गई? अब वो ज्यादा दूर नहीं होगी, मैं उनको अभी लेके आता हूं। अच्छा सुनो सुनो, पहले बताओ हुआ क्या। मुराद साहब आप नहीं जानते, यही तो वो मॉडल है जिसको मैं तलाश कर रहा हूं। आप हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहा हूं मैं कि वो बाबर खान की पोती है और बाबर खान बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। मुराद साहब आप एक दफा मेरी उसके साथ मुलाकात करवा दें, आप नहीं जानते कि शोबिज़ का एक अपना क्रेज होता है। अच्छा खैर अपनी एक्साइटमेंट को खत्म करो, ये सारे डिजाइन मैंने प्रूफ कर दिए, जाओ और जाकर इन पर काम शुरू करो, डिजाइन पर काम करो, चलो हरिया। ओके सर। जी आंखें बंद करना। क्यों? तुम आंखें तो बंद करना प्लीज। मेरी आंखें तो आपने पहले बंद कर रखी। देखो मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। अच्छा ये ले। अब आंखें खोलो। इट्स मार्वेलस। ये पहले तो मार्वेलस नहीं था, तुम्हारी गर्दन से छू के हो गया। थैंक यू। सुनिए फरमाइए। आपने मुझे पहचाना नहीं?
जी ना। आपने उस दिन मुझे गुंडों से बचाया था। मैंने कब कहाँ? हैरत है, आपको याद नहीं? हाँ 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 हाँ, मुझे याद आया, वो मोटरसाइकिल वाले लड़के। क्या हुआ, फिर चढ़ा उन्होंने? ऐसी बात नहीं है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? वो मैं नहीं जी, वो दरअसल अम्मी ने आपको शुक्रिया के लिए घर बुलाया है जी। ऐसा क्या किया मैंने? बहरहाल आपने कह दिया, ठीक है। सुने, आपको घर आना पड़ेगा। बीबी, सजावल किसी के घर नहीं जाता। खैर, आप परेशान मत हो, मैं किसी दिन फारिग होकर आऊंगा, आप जाएं। शहजाद, बहुत ठीक जा रहे हो तुम। एक बात है, तुम्हारी मॉडल बहुत अच्छी है। क्या खाक अच्छी है, मुझे तो आपकी बस वो निशा चाहिए। उल्लू हो तुम भी। कोई उल्लू उल्लू नहीं हूँ, बस आप एक दफा उसे बुला तो ले, बाकी आप मुझ पे छोड़ दें। बुला लूंगा किसी दिन। किसी दिन क्या मतलब, अभी? पागल हो गए हो क्या? मैं एम्बिशियस भी हूँ, क्रेजी भी हूँ और उल्लू भी। आप फोन कीजिए। एक तो तुम्हारी ये जिद है, मुझे किसी दिन लेट उठेंगे। हेलो निशा, मैं मुराद बोल रहा हूँ। शुक्र है तुमने फोन किया। अच्छा सुनो, अगर आज शाम को कुछ नहीं करी तो खाने पे चलें। ओके, कहाँ? बाबा जहाँ तुम कहोगी वहाँ। ऑफिस से पिक कर लूँ 8 o'clock? चलो ठीक है, ज्यादा मुनासिब रहेगा। ओके बाय। सुमन, जी सुमन, प्लीज जरा बेडरूम से अकाउंट्स की फाइल तो ला दो। अब यहां मुझे तुम्हारी बीवी का रोल अदा करना है या तुम्हारी सेक्रेटरी का? तुम जानती हो सुमन, के लोगों के सामने तुम मेरी सेक्रेटरी होती हो और घर में बीवी। हाशिम, मुझे कभी कभी तो यूं लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि स्टेज पर काम करने वाली वो अदाकारा हूँ जिसे एक ही वक्त में दो रोल अदा करने हैं, एक सेक्रेटरी का और दूसरा घर में बीवी का। मैं तुम्हारे इस तंज का मतलब नहीं समझा सुमन। ये तंज नहीं, मेरे अंदर की औरत एक सवाल है जिसका जवाब शायद तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम्हारा सवाल एक है सुमन, और मेरे पास इसके बहुत से जवाब है। ये जगमगाते फानूस, ये दबीज कालीन, ये कार, बंगला, बैंक बैलेंस, लाखों के जेवरात, तुम्हें मामूली सी अदाकारी की जितनी कीमत मिल रही है इतनी तो किसी सुपरस्टार को बड़ी से बड़ी परफॉर्मेंस की भी नहीं मिलती, फिर भी तुम खुश नहीं। तुम जैसे लोग अपनी दौलत के बलबूते पर औरत को खरीद तो लेते हैं मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि अभी तक दुनिया में वो मंडी नहीं बनी जहां उसकी रूह निरा हो सके। So what do you think? Excellent. Lovely, great. Fabrically ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। Good. चलो, now I have to go. Excuse me. कहाँ बैठी, मुझे एक दो बातें डिस्कस करनी है आपके साथ। भाई, तुमने अभी डिनर पे जाना है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ चले ना। नहीं, मुझे अभी बहुत से काम हैं। मरियम, वही आंखें, वही चेहरा, तुम मरी लैला? ये निशा है, मेरी क्लास फेलो, और निशा ये लैला है।
मरियम मेरी मामा का नाम था, आप जानती थी उन्हें? बहुत अच्छी तरह। मुझे प्लीज बताएं उनके बारे में। फिर कभी। पहले उसकी बदमाशी और फिर उसकी मिन्नतें। ये कौन आ रहा? अरे ये तो अपना खानू है। हाँ खानू, हाँ बैठ बैठ जा खानू। वैसे तो तू कभी कोई खैर की खबर लाया नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ। खैर है ना? सब खैर है सजावल, सब खैर है। क्या बात है, तू डेरे पे पड़ा पड़ा सुस्त पड़ गया? हमारे काम में सुस्ती वुस्ती नहीं चलती, चल उठ, तेरी जरूरत पड़ गई है। यार खानू, यहाँ डेरे पे बड़ा सुकून है यार, और मैं शहर के अंगामों से दूर उस मार धाड़ से यहाँ सुकून लेने के लिए बैठा हूँ। तू सुकून से कैसे बैठ सकता है, तेरी जरूरत पड़ गई वहाँ। अच्छा अच्छा, पहले तू आराम कर, सुकून कर, कुछ रोटी टुक्कर खा पी, उसके बाद ले जाना सजावल को भी। सजावल को लेने आया ये। शहजादी लगती है सजावल, शहजादी। हाँ किस सोच में? निशा, ये शहजाद। अब निशा जी, दरअसल बात यह है कि हमें अपने एक्सक्लूसिव के लिए एक मॉडल चाहिए, और वो आप हैं। जी जी निशा जी, आप मॉडलिंग करेंगी ना, आप देखिएगा आप आसमान पे पहुंच जाएंगे। सुमन, तुम नहीं जानती मेरे लिए अमेरिकन डेलीगेशन की फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। कहां रख दिया उसे? मैंने कहा ना, मैंने तलाश की है, नहीं मिली। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस किस्म की इंपॉर्टेंट फाइल्स को संभाल के रखा करो, मुझे फौरन जवाब देना है उसका। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं अब फाइल नहीं बल्कि घर संभालना चाहती हूं। कुछ दिनों से तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। कल रात भी तुम्हारा रवैया मेरे लिए इंतहाई नाकाबले बर्दाश्त था। मेरी भी पता नहीं क्या क्या नाकाबले बर्दाश्त, मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ ना। एहसान जता रही हो मुझ पे? नहीं, एहसान तो आपके मुझ पर इतने हैं कि उनके बोझ तले मेरा दम घुटने लगा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम चाहती क्या? एक औरत क्या चाहती है? अगर ये आपकी समझ में आ जाता तो सबकी नजरों में मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं बल्कि बीवी होती। जी आ रहा है वो? अकेला या साथ है? अकेला है। ठीक है ओके। बिजनेस तो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, लेकिन तुम अपने कंपेटिटर से होशियार रहना। आपका इशारा कहीं हाशिम और जाफर की तरफ से नहीं? एक की नजर हमारी बिजनेस पे है और दूसरे की हमारे डिजाइनर पे। फिक्र ना करें आप, मैं अपने दुश्मनों से हर तरह आगाह रहता हूँ। पता, हमने सिर्फ नीनास का बिजनेस ही नहीं इनहेरिट किया, हमने उसके सारे दुश्मन भी इनहेरिट किए। जानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं अपने दुश्मनों से आगाह रहता हूँ, ताकि उनकी किसी भी बात का मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। गुड। अच्छा खैर,
ये कार्ड देखिए और बताइए कि कैसा है। कार्ड क्या है ये कार्ड? तुमने मेरे मशवरे पे अमल किया। कौन सा मशवरा? किचन आबाद करने का मशवरा। ओ पगला कहीं का, ये लो पकड़ो। अच्छा है। बहुत अच्छा। तो सिर्फ तुम्हें हर कीमत पे वो प्लाट चाहिए? चाहिए तो जरूर अब्दुल्ला भाई, मैंने तो उस प्लाट पर प्लाजा तमीर करने के लिए नक्शा तक बनवा लिया, लेकिन सेठ शौकत बेचे भी तो तब ना। बेचेगा, जरूर बेचेगा। तुमने कागजात मुकम्मल करवा लिए ना? हाँ बिल्कुल, मैंने सब कुछ मुकम्मल करवा लिया है, बस इस पर सिग्नेचर की जरूरत है। तूने फायर नहीं खोला, इसका मतलब है तू जानता था ये कौन है। इसलिए कि मेरे घर में, यानी कि मुराद के घर में सवाए सजावत खान के और कोई नहीं आ सकता, वो भी इतनी दीजा दलेरी से। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये तू हमेशा उल्टे रास्ते से क्यों आता है, सीधे रास्ते से क्यों नहीं आता? सीधे रास्ते से तो आम लोग आते हैं, हम जैसे लोग तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। खैर ये बता कि इतने दिन कहाँ रहा तू? आंधी की तरह आता है और खामोशी से गायब हो जाता है, क्यों? शाम मुराद यार, अपने काम धंधे ही ऐसे, ये सब छोड़ क्यों नहीं देता? क्या मसला है तेरा? किस बात की फिक्र है? मैं हूं ना। शाह मुरादा, ये अपने बस में कहां होता है यार, ये सब फैसले तो ऊपर वाला करता। अब देखना, स्कूल में हम दोनों एक साथ दाखिल हुए थे, लेकिन लिखना पढ़ना सिर्फ तुम्हारी किस्मत में था। सजावल ना पढ़ना और बात है, और बुरे रास्ते पे निकल पड़ना और बात। ये अपना फैसला नहीं होता शाह मुराद, ये तो तकदीर का फैसला होता है। और फिर इस दलदल में कोई एक बार पांव रख लेना, फिर सारी जिंदगी निकल नहीं सकता। ये बता के खाना खाया तूने? इसीलिए तो अपने बुरादे के पास आया। चला फिर खाना खाते। उठ।
मरियम, वही आंखें, वही चेहरा, तुम मरियम। लैला, ये निशा है, मेरी क्लास फेलो, और निशा ये लैला है। मरियम मेरी मामा का नाम था, आप जानती थी उन्हें? बहुत अच्छी तरह। मुझे प्लीज बताएं उनके बारे में। फिर कभी। निशा बेटी, ये कोई कार्ड दे गया आपके लिए? थैंक यू। आप टॉप की मॉडल बन जाएंगी, मीडिया अवार्ड में आप ही का नाम होगा। शहजाद साहब, बात ये है, छोड़िए फॉर्मेलिटीज को, चलिए मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाता हूँ। नहीं नहीं, वो आप मेरी बात पहले सुनिए। बात सुनता हूँ लेकिन स्टूडियो में जाके, आप चले तो सही। आए आए, आइए आइए जी। ये मेरे असिस्टेंट हैं जिमी, और ये हमारे फोटोग्राफर हैं मिस्टर विकास, और ये हमारा स्टूडियो, और ये है हमारे नए ड्रेसेस। लेकिन शहजाद साहब, मैं तो मॉडलिंग की अलग भी नहीं जानती हूँ। अरे ये बात छोड़िए आप, ये जो आंखें हैं ना, ये लेंस से भी ज्यादा तेज हैं। टैलेंट को तो यूं चुटकियों में पहचान लेती हैं, और वैसे भी आप में मॉडल वाली कुदरती खूबियां शामिल हैं। मुझे फिर भी सोचने का टाइम। कितना वक्त चाहिए आपको? यही 2-3-4 मिनट सोच लें। वो नहीं भाई, मैं 2-4 दिन बाद सोच के आपको बताऊंगी। अरे मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। छूलूं तुम्हें, कहता है दिल,
हेलो निशा जी मुराद भाई जब मैं कब तक हम एक दूसरे को बगैर नामों वाले कार्ड भेजते रहेंगे मैंने नहीं जाता हूँ मैं जब भी कहीं आती है बस तू ही अजीब बात है कि आजकल के जमाने में भी एक दूसरे के करीब आने में कितना टाइम हमने लगा दिया देखो निशा अगर लम्हों में एक दूसरे से दिल खोल के बात कर ली जाए तो ये कोई अच्छा सुकून नहीं होता क्योंकि इस तरह प्यार की खुशबू इधर उधर फैल जाती है ठीक कह रहे हो असली मोहब्बत यही होती है शायद नहीं यकीनन बहुत सुधर गए हो तुम कॉलेज में तो तुम बहुत ज्यादा मारपीट किया करता था हाँ अभी बिल्कुल वैसे का वैसे ही हूँ बाहर मैं सोबर जरूर नजर आता हूँ लेकिन अंदर से अभी भी बिल्कुल 100% वही पुराना मुराद आज भी अगर किसी के साथ ज्यादती होती है ना तो मेरा खून खोल जाता है दिल करता है कि खत्म कर दूँ उसे That's reassuring That's the way I am हाँ बोलो आप अभी तक आए नहीं नहीं आया तो तुम सो क्यों नहीं जाती मैं एक मीटिंग में बिजी हूं